अलग को डिलीवरी से यहाँ आक है ये आगे थे अल देखी सकू कौन घर में आगे ये सानो ये कुकुर पार्क हो कि बच्चा चाइल्ड पार्क रहे बच्चा को लगी फन पार्क रहे सानो ये बुढ़ा का साइड में पर्स आप लोग बे यही है बस यहाँ डिलीवरी अब कर निस्कु है बीच बाटो मैं इस लोकेशन में एक बार मेरे को याद है ना मैं इधर आया था इतनी बहुत तेज बारिश हो रहा था मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद में ऐसे ही होगा मैं आया था इसमें इस लोकेशन इस एड्रेस में उसके बाद में आ जा रहा हूँ इतना तेज बारिश हो रहा था भाई कसम से इतना तेज पूछो मत फिर मैंने जैसे ही इधर आईडी एक मतलब कि मैंने डिलीवरी दिया उसके बाद में सीधा आईडी बंद करके घर अभी देखो ना रास्ते कितना मज़े बनाए इन लोगों ने सारे पहले तो इतना फूटा हुआ था तो एकदम फूटे को बाटो थे कि तो जय तो ग्रावेल महीने जस्तो लाग्थ्यो क्या बेला बेला में यहाँ चाहिए अल चाहिँ पूरै ग्रावेल कपाल बनाएको रहेछ क्या अल चाहिँ सर चिल्लो होइन अब यहाँबाट चाहिँ म मैं अभी मिलता हूँ सही है अभी इधर से भाई बोल रहा था मैं निकलूँगा तो एक दिल किया कि देखो कितने मस्त नज़ारा है भाई देखो सही है ना आप उधर देखो ना ये, ये, ये इसमें ये सिर्फ ये देखो ना कितने बिल्डिंग में कितने हाई हिल में हूँ है ना मज़ा है ना भाई अल्टीमेट मतलब कि बहुत ही बुरा अच्छा भाई जो अपना आँख से मैं देख रहा हूँ ना इसको कैमरे में तो कुछ क्या होगा भाई और ये और मैं ना सोच रहा हूँ ना इधर से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ कि वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल सब जना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला आप लोग भी बैकग्राउंड देख सकते हो भाई कितने अच्छा बैकग्राउंड है और लास्ट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आई होप सो अच्छा ही लगे होंगे और आज मेरे को जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत वो टॉपिक क्या है कि भाई और पुर्तगाल में सच में खास है और रेसिडेंसी कैसे वो मिल जाता है इधर बस वही इसी एक दो मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे तो मेरे को जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा और जैसे जैसे मेरे को याद आ जाएगा तो फिर मैं उसे ऐसे ही आप लोगों को साथ में शेयर करता रहूँगा तो बस जुड़े रहिए और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ तो अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए बस भाई मैं वही कर रहा हूँ तो कसम से मेरे को ना इधर से नज़र नहीं हट रही इतनी पसंद आ रहा है मेरे को देखो भाई ये तो भूल ही जाओ ये सिर्फ ये मस्त है मस्त बस इधर से मैं निकल रहा हूँ ये अगली वाला राउंड बोर्ड से मैं सीधा एक सेकेंड एग्जिट लेके मैं सीधा निकल जाऊंगा मैं मिलूंगा आप लोगों का भी बस भाई पैदल चल के गया था साले को ओह माय गॉड अच्छा नहीं लगता यार बहुत ही आदत छूट गई ना इधर ही मैं अंदर बिन फिका के अंदर ही आया था तो हम लोग का अभी काम तो नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई रेसिडेंसी वो मतलब कि किस तरीके से अप्लाई करें और कैसे मिलते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को पुर्तगाल आना पड़ेगा और इधर आते ही आप लोगों को तो फिर
मेरे ख्याल से अभी 74 आवर के अंदर आप लोगों को सेफ्टी लॉक करना पड़ता है। पता नहीं, अभी जब मैं आया था तब तो फिर आप लोगों को उस टाइम में क्या होता था ना, 72 घंटे के अंदर ना आप लोगों को वो होता कि लीगल एंट्री करना पड़ता था। अभी मेरे ख्याल से लीगल एंट्री नहीं है अभी अभी इधर पुर्तगाल में, उसको बोलते सेफ लॉक होगा। जो अभी नए आए उन लोगों को पता है अच्छे तरीके से, और मैं तो बहुत पुराना हूँ ना, तो पुराना को अलग ही सिस्टम था, तो फिर अभी अलग ही सिस्टम है। तो यही है भाई, और उसके बाद में फिर आप लोगों प्रॉपर किसी जगह पे काम करके फिर टैक्स डालना पड़ेगा, वो तो हर किसी को पता है, बिना टैक्स की होती नहीं है। और टैक्स डालो, मगर बेहतर है कि जब तक पहले कार्ड ना आ जाए ना, तब तक आप लोग एक ही जगह पे बैठ के काम करो, ये बेहतर है, सबसे बेहतर सोल्यूशन है। और हो गए वो हो गए, तो फिर आप लोगों को टैक्स प्रॉपर होना चाहिए। और फिर उसके बाद में सेफ ने अभी तो ऑटोमेटिक मेल कर रहा है कि, और हम लोगों को उस टाइम में तो क्या होता था कि भाई पहले मेल आता था, फिर उसके बाद में डेट उठाओ, फिर उसके बाद में डेट उठा के फिर अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके फिर उधर सेफ में चला जाओ। पता भी नहीं होता था कि उस टाइम में सेफ फिंगर होता था होगा कि नहीं उस दिन में, उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था। अभी तो चलो यार, जिस दिन मरकसो मिल रहा है उस टाइम तो हो ही रहे ना, तो वही है जी। अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ अभी इधर, क्योंकि मेरे को काम पे निकलना है ना। Remember when you said it doesn't get better than this? Yo, al punto ni algo se que. ये ही हो है अल्ले को बिस्तर ढोका लगा होने थे बीच से। अभी मैं इधर से आया था, अभी ये घर पे, तो भाई इधर से निकल जाओ, इधर से लेफ्ट टर्न लेकर जाना है मेरे को, बहुत बड़ी डाउन ही थे भाई इधर। साइड में हाईवे चल रहा है, इतने ज्यादा पुराना घर है ना इधर, अस्ट है क्या इन रिबिल्ड रिबिल्ड गए घर तो कति हो क्या फालतू, तर गवर्नमेंट ने करते ना। आज को ब्लॉग ये नहीं है, आज तपाईँहरू चाहिँ भिडियो कस्तो के कस्तो लाग्यो होइन, आप लोगों को भी कैसे लगा आज की ब्लॉग, अच्छे लगे तो फिर लाइक भी कर दीजिए, और नहीं हो तो आपका मर्जी, और मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता कि भाई ये करो कर दो, चलो आप लोगों का मर्जी है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई आप लोग जिधर काम कर रहे हो ना, मतलब कि जो पहले कार्ड के लिए जो अप्लाई कर किया हो ना आप लोग ने, तो जिधर काम कर रहे हो ना उधर ही प्रॉपर काम करो वो पहले कार्ड के लिए, उसके बाद में फिर पहले कार्ड मिल गए तो फिर आप लोगों का मर्जी, जिधर मर्जी काम करो। अबे इतना सुंदर चेहरा, इतना काला दिख रहा है बे, लाइटिंग नहीं मिल रहा था ना इसकी वजह से, तो यही है जी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आप लोगों को, तो फिर मैं जब तक मेरा पहला कार्ड नहीं मिला ना, तो फिर मैं एग्रीकल्चर में काम किया। उस टाइम में तो अलग ही सिस्टम था और अलग ही तो माहौल था, तो फिर उस टाइम में अलग ही सब कुछ अलग ही था समझ जाओ ना, तो इसलिए
मैं 19 महीने काम किया था एग्रीकल्चर में। 19 महीने के बाद में फिर मैं जब फिंगर हुआ तो उसके बाद में फिर मैं इधर आया सिटी के सेंटर में। पहले सिटी सेंटर में था तो फिर इधर से फिर उस टाइम में तो क्या बोलता था कि भाई एग्रीकल्चर में ज़्यादा जल्दी कार्ड मिल जाता था, तो फिर हम लोग बोरे बिस्तर बांध के चला गए हम लोग। और उस टाइम में तो फिर इधर तो आप लोगों को काम पे जाओ, आप लोगों को लैंग्वेज आओ बोलते कि लैंग्वेज नहीं है, अगर लैंग्वेज हो तो फिर बोलते कि भाई तुम्हारा सोशल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं बोल के हम लोगों को काम से निकाल देते थे उस टाइम में, बहुत साल पहले। जो मैं अभी बता रहा हूँ जो इससे एक्सपीरियंस हुए उन लोगों को पता है कि भाई कितने साल पहले की बात है। तो अभी के टाइम में अलग ही सिस्टम है और अलग ही अभी लॉ भी आ गया, तो इसलिए अभी तो अलग ही सिस्टम हो गया ना, तो फिर इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा। और आप लोगों को बता दूँ कि भाई पहली कार्ड जब तक ना मिले तब तक एक ही जगह पे काम करो, और प्रोसेस तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि क्या होते हैं। बस यही जी आप लोगों के लिए आज के लिए। और अब हम नेपाली दाए भाइ अब कताबाट अब हेरिराख्नुभएको छ, अब आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि चाहिँ सोचेर चाहिँ आउनु है पोर्चुगल चाहिँ। म चाहिँ त्यही भन्छु कि लास्ट अहिले कार्ड पाउन पनि त्यतिकै गाह्रो छ होइन, और अभीको टाइममा पनि आप लोगों को पता है कि भाई कार्ड इतना जल्दी नै मिलता है और मुश्किल है, मगर फिर भी यार हम लोगों से तो अभी तो बहुत जल्दी भी मिल रहा है। तो मैं बता चुका हूँ भाई 19 महीने मैं उधर था, फिर उसके बाद में मैं कितना महीने कार्ड के लिए वेट किया वो मेरे को पता है भाई। चलो यार किसी दिन में आप लोगों को मैं अपना और पर्सनल एक्सपीरियंस इधर पुर्तगाल की शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतने भाई, आप लोग मज़े रहिए, मज़े में रहिए, खुश से रहिए, और जितर भी हो इन्जोय कीजिए। बस हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरू चाहिँ अब आफ्नो ख्याल गर्नु, सबै राम्रोसँग बस्नु होला, जो कतैबाट हेरिराख्नुभएको छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। र सबलाई चाहिँ बाई बाई, जय नेपाल।